लहसुन का बाजार इस साल सीजन की शुरुआत से लेकर अब तक तेजी का ही है। कुछ कुछ अंतराल के लिए लहसुन के भाव में भले ही गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन लहसुन के भाव को लेकर जानकार अभी भी काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। पिछले सप्ताह लहसुन के भाव में गिरावट दर्ज हुई थी, जिसके चलते जिनके पास लहसुन का स्टॉक था वो भी लहसुन बेचने की तैयारी में लग गए। भाव में गिरावट होने के कारण बाजारों में हल्की घबराहट भी दिखाई दी। हालांकि ये गिरावट भी अधिक नहीं रही, लेकिन सभी अब ये जानने के इच्छुक हैं कि आने वाले समय में लहसुन के भाव की क्या स्थिति रहेगी। इधर सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों की कटाई का भी कार्य शुरू हो चुका है। किसान सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों की कटाई के बाद रबी फसलों की तैयारी में लग जाएंगे। रबी सीजन के दौरान ही दरअसल लहसुन की बुआई की जाती है। अभी बुआई के ठीक पहले की स्थिति है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में लहसुन को बेचना उचित नहीं रहेगा। अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह से लहसुन के भाव में तेजी आने के संकेत हैं। मंडी व्यापारियों की माने तो 12 अक्टूबर को दशहरे के बाद लहसुन के बीज वाले माल की सबसे अच्छी डिमांड निकलने की उम्मीद है। वहीं व्यापार जानकारों के अनुसार नवरात्रि के बाद लहसुन में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तेजी आने का प्रमुख कारण एक तो बिजवारा की डिमांड निकलने वाली है और दूसरा शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो ऐसे में आने वाले सभी महीनों में लहसुन की अच्छी डिमांड बन सकती है और लहसुन अब बहुत कम मात्रा में बचा है, तो ऐसे में मांग की पूर्ति नहीं होगी, जिसके चलते भाव में तेजी आना मुमकिन है। व्यापारी बताते हैं कि लहसुन जिनके भी पास बचा हुआ है और उनको अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है। बाकी जिनको भी लहसुन बेचना है, रोकना है या स्टॉक करना है, वो अपनी समझ के हिसाब से काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत की तुलना में चीन में लहसुन के भाव कम है। चीन के लहसुन की क्वालिटी भी खराब है, लेकिन भारत में भाव बढ़ने के कारण चीन से अवैध रूप से लहसुन का व्यापार होने लगा और लहसुन कम दाम पर मार्केट में पहुंचने लगी। लेकिन अब चीन की इस लहसुन की हालत खराब होने लगी है, क्योंकि क्वालिटी खराब होने के कारण मांग न के बराबर है। शुरुआत के दौरान चाइना लहसुन ने भारत में बहुत माहौल खराब किया था, लेकिन अब उल्टा जो चाइना लहसुन बेच रहे थे उनकी हालत खस्ता होती दिखाई दे रही है। जानकारों का कहना है कि किसान अगर 2025 में भी लहसुन का अच्छा भाव प्राप्त करना चाहते हैं तो लहसुन सीमित मात्रा में ही लगाएं। अगर आप लहसुन का रकबा पिछले साल से 2 से 3 गुना करेंगे तो भाव भी उतने ही गुना कम मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।